नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन का वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसका शोल्डर रखा है मैंने 5.5 इंच और जो इसका आर्म होल रखा है 6 इंच। नेक की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच पर, मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ। और गले की जो ये देखिए लंबाई, मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ। एक हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। इसी शेप पर मैं इसको काट लेती हूँ। डीप नेक 1/2 इंच शोल्डर में ऊपर से इसमें नीचे डाउन कर देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको पलट लिया है और यहाँ पर सिलाई पूरी लगा ली है, पूरा फिनिशिंग से पलट कर तैयार कर लिया। अब हमें क्या है, नेक पर मैं एक मैंने ब्लैक कलर और गोल्डन कलर की एक लेस ली हुई है तो मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी बनाई हुई है, इसको मैंने पलट लिया है, 4 इंच का कपड़ा काट के और इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये लगभग हमारी 2 इंच के, ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 1.5 इंच पट्टी, फिक्स 1.5 इंच पट्टी तैयार रहेगी। और इसमें क्या करना है, बीच में एक बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए इस तरीके से मोड़ कर आप इसमें एक सेंटर में लाइन एक ड्रॉ कर लें। लाइन से आपको सेंटर का पता रहेगा। और इसमें क्या है, हमें फ्रिल बनानी है। फ्रिल किस तरह की बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या है कि ये देखिए,
यहाँ से पहले हमें उठा के बिल्कुल छोटी छोटी दो फ्रिल बनानी है ऊपर नीचे बिल्कुल, ये देखिए ऐसे। और ये दोनों फ्रिल ये देखिए, ये लगभग हमारे ये 1 इंच है, इतना हमें गैप रखना है। ये देखिए ये मेरा 1 इंच है, तो उसके बाद हमें ये 1 इंच की लाइन पर उठा के और दो ही हमें फिर छोटी छोटी फ्रिल बनानी है। लगभग हमारा 1 इंच का यहाँ पर गैप होना चाहिए, 1 इंच से कम ना रहे। ये देखिए और बिल्कुल लाइन एकदम सेंटर में आनी चाहिए। ये देखिए और दूसरी भी हमें बिल्कुल सटा के इसके साथ लेनी है, सुई को नीचे रखना हमें और फिर बराबर से दो छोटी छोटी फ्रिल उठा के और बिल्कुल ये देखिए बूट को ऊपर उठा लें और इस तरीके से बिल्कुल पास में ले जाते हुए। और ये देखिए यहाँ से ये वही हमारा, ये देखिए 1 इंच के लगभग गैप होना चाहिए, या आप निशान लगा लें या तो। और फिर दो फ्रिल इस तरीके से छोटी छोटी उठा के पहले ही आप ऐसे बना लें। देखिए मैं ये देखिए अब आइडिया से पूरी लगभग 1 इंच के आइडिया से हमें पूरी फ्रिल ये बना लेनी है। ये देखिए ऐसे और ऐसे। और फिर हमें 1 इंच के लगभग गैप रखना है। ये देखिए ऐसे और फिर दो फ्रिल उठानी है ऐसे और छोटी छोटी बिल्कुल पास टच होनी चाहिए। और फिर 1 इंच का गैप लेते हुए ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से मैं पूरी फ्रिल बना लेती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रिल पूरी बना ली है, अब मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगी। ये देखिए लेस के, लेस हमारी दिखती हुई होनी चाहिए और इस तरीके से हमें पूरे को इसको अटैच करनी है।
अब ये देखिए मैंने इसको क्या है कि पूरा लगा दिया था, पर बट बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ा है, क्योंकि ये एक मैंने यहाँ पर ये फ्लावर बनाया, इसको मुझे बीच में यहाँ पर लगाना है। तो मैं अब आपको ये जो मैंने अभी हमने फ्रिल लगा लिए, अब इसके पास में मुझे ये देखिए ऐसे स्क्वायर पीस लेने हमें, और फिर उनको इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस तरीके से छोटी छोटी डिजाइंस बनानी हमें। बहुत इजी है इनको बनाना, ये देखिए ऐसे करके। डबल ट्रायंगल बना के और फिर उनको ये देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें इस तरीके से काट देना है, और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन जाती है। ऐसी मैंने पहले ही बना के ये कुछ देखिए ये रेडी की हुई है। तो इनको हम लगाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इनको लगाना है। अब यहाँ से हमें इनको अटैच करना है, यहाँ बीच में हमें गैप छोड़ना है, और अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए अब ये देखिए ये हमने लगा लिया। एक्स्ट्रा जो यहाँ पर कपड़ा था वो मैंने काट दिया है, अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। देखिए यहाँ से लेस मैंने लगा लिए, मैं यहाँ पर बीच में फ्लावर लगा लेती हूँ, और यहाँ पर मुझे मोती लगाने हैं। तो कैसे वो हम लोग मोती लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मोती यहाँ मैंने लगा लिए, कैसे हमें इनको लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमें क्या है कि सेंटर में इस सुई को लेना है, और ये जो फ्रिल के चारों कॉर्नर है उनको इस तरीके से मिलाना है हमें।
देखिए अब इनको ये देखिए, इसमें ये लेके कॉर्नर्स पर हमें सुई को ऐसे पिरोना है और दोनों चारों कॉर्नर्स को मिला के एक जगह ये देखिए ऐसे मिला लेना है। और एक बार हमें नीचे की साइड सुई को ले जाना है ताकि अच्छे से दब जाए, और फिर वापस ऊपर एक बार लाके बीच में से हमें लाना है सेंटर से, और फिर हमें मोती इसके अंदर डाल के ये देखिए, और फिर इसे वापस अंदर की साइड ऐसे ले जाके इसको बिल्कुल टाइट कर लेना है ऐसे, डबल बार आप इसको पक्का कर लें ऐसे। इस तरीके से मैंने ये पूरी लगाई हुई है, तो एक मैं और बता देती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर ले लें, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को लेना है, और ऐसे हमें खींच के इनको बिल्कुल सेंटर में ले लेना है ऐसे, और फिर दबा के वापस नीचे सुई को लेके देखिए ये मोती को ऐसे लेके ऐसे टाइट कर लेना है, मोती हमें मोती में डबल बार धागा ले लेना ताकि अच्छे से ही ये देखिए ऐसे, और फिर अंदर ये यहाँ पर दो तीन बार अच्छे से गांठ लगा लें अभी। देखिए पूरे मोती मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं, ये फूल भी यहाँ पर हमने लगा लिया है। इस तरीके से ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन हमारी कंप्लीट होती है, डिजाइन का फाइनल लुक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो आप लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।